मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज करते थे और उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। जब राजा का सपना टूटा तो उसे बहुत ही अचरज हुआ कि उसके पिता नरक में कैसे हैं। सुबह होते ही राजा विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपने स्वप्न का कष्ट सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते पाया है। उन्होंने मुझसे इस नरक से मुक्त कराने को कहा है। मैं ये सब देख बहुत बेचैन हूँ और दुखी भी। मेरा मन बहुत अशांत है। ये सारे सुख मुझे नगण्य लग रहे हैं। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया कर मुझे इस यातना से निकलने और अपने पिता को नरक से मुक्त करने का उपाय बताएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख से मेरा तन मन जल रहा है। कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई उपाय बताएं, जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल सके। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप पर्वत ऋषि के आश्रम जाएं और उन्हीं से इसका उपाय पूछें। राजा तुरंत मुनि के आश्रम पर गए और देखा कि आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगुपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मुझे कष्ट खाए जा रहा है। और राजा ने अपना स्वप्न मुनि को सुना दिया। पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर सब ज्ञान कर आंखें खोली और बताया कि पूर्व जन्म में आपके पिता ने कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष प्रदान कर चिंता हरण माना गया है।